समीर वानखेड़े को मिल चुका है प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट, और साथ में कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। और इस खबर के बाद आप जान जाएंगे कि रिया की मानसिक स्थिति में क्या क्या फर्क आए हैं 2020 के बाद। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि सुशांत मामला होने की बात कहा जा रहा था कि जब NCB निकल के आई, जब समीर वानखेड़े जी निकल के आए इस पूरे मामले में, तो सवाल अपने आप उठने लग गए, क्योंकि समीर वानखेड़े जी जांच करनी जब उन्होंने शुरू करी तो कई सारे ड्रग पैडलर्स को उन्होंने पकड़ना शुरू करा, और उसी के बीच एक नाम निकल के आया रिया चक्रवर्ती का। और जब उनसे पूछताछ की गई तो कई और नाम निकल के आए, कई और लोगों को पकड़ा गया, जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ मेंबर्स जो थे, दीपेश सावंत हो या फिर सैमुअल मिरांडा हो, उन सबको भी गिरफ्तार किया गया। और दीपेश सावंत को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, पर सैमुअल मिरांडा को कहा जा रहा है कि पूछताछ के लिए बुलाया गया, पकड़ा गया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि पूछताछ के दौरान बहुत सारी बातें निकल के आईं। रिया चक्रवर्ती को लगभग एक महीने तक जेल में भी रहना पड़ा था, और साथ उनके भाई शौविक को भी। पर कहा जा रहा था कि रिया के माध्यम से कई सारी बातें निकल के आ रही थी, जिसके बाद कहा जा रहा था कि सवाल और उठने लग गए थे रिया चक्रवर्ती को लेकर। पर वहीं पर अब कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी को क्या देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का सपोर्ट मिल गया है। कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा खुलासा निकल के आ रहा है, जो खुलासा किया जा रहा है अमित शाह जी के द्वारा, जो हमारे देश के माननीय गृह मंत्री हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने बताया भी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका सिर्फ अब एक सपना है कि भारत का युवा हो या पूरा भारत हो, ड्रग फ्री इंडिया बनाना है और भारत के युवाओं को ड्रग से दूर रखना है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात बोली है अमित शाह जी ने, जो कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी का एक सपना और उनकी बोली हुई बात को रिपीट करते हुए कहीं ना कहीं वो एक संकेत दे रहे हैं कि अब ड्रग फ्री इंडिया ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो ड्रग माफिया को पकड़ा जा रहा था, तो ये साफ साफ बातें दर्शाती है कि बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोच रखी हैं। और समीर वानखेड़े जी के ऊपर तो सवाल उठने शुरू तब हुए थे जब उन्होंने बड़े बड़े लोगों को पकड़ा था, जिसमें कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर नवाब मलिक है उनके दामाद को भी पकड़ लिया गया था, और बाद में शाहरुख खान के बेटे को भी पकड़ लिया गया था, जिसके बाद कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी से कई सारे लोग निराश दिखाई दे रहे थे। और आज वो वक्त आया जब कहा जा रहा था कि समीर वानखेड़े जो थे उनको लेकर जब सुनवाई चल रही है कोर्ट के अंदर, जो 20 तारीख को सुनवाई होने वाली है, उसमें कई सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में क्या शाहरुख को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, अभी इस पर लेकर कोई खबर निकल के नहीं आ रही है। वहीं पे कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत मामला होने के बाद समीर वानखेड़े जी जिस प्रकार काम कर रहे थे, तो समीर वानखेड़े ही अकेले मुझे लगता है कि न्याय दिला सकते थे सुशांत को, क्योंकि जिस तेज़ी से उन्होंने काम किया था शायद ही जल्दी कोई करे। वहीं पर कहा जा रहा था कि एक और सवाल उठा था कि आखिरकार ये मामला होने के बाद NCB ने कई सारे लोगों को पकड़ा था और कई सारे लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था इंडस्ट्री से, जिसके बाद उनको कोई भी जानकारी नहीं मिली, ऐसा कैसे हो सकता है। जबकि कहा जा रहा है कि मीडिया में तो एक खबर में निकल के आई थी कि कई सारे लोगों के नाम के पहले अक्षर बता दिए गए हैं, किसी का ए, किसी का एस, ऐसे करके बताए गए थे, उम्र भी बताई गई थी मीडिया के माध्यम से, जिसके बाद लोग दावा कर रहे थे कि भैया चल क्या रहा है, क्या करना चाहते हो आप लोग। तो देखने वाला विषय यहाँ पर यही है कि आखिरकार ये सब जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, और क्या इसके पीछे कोई वजह है, क्या ये सब चीज़ें रुक सकती हैं, ये तो देखने वाला विषय होगा। और वहीं पे कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती हाल ही में रोडीज का शो को होस्ट कर रही हैं, पर क्या आप जानते हैं वहाँ पर रोज झड़प हो रही है, क्या शो को प्रमोट करने की ये एक्टिंग की जा रही है, या सही में प्रिंस गुलाटी और रिया की आपस में नहीं बन रही है। क्योंकि कहा जा रहा है कि कंटेस्टेंट से जब प्रिंस नरूला, जब गौतम गुलाटी ने पूछा CBI की फुल फॉर्म को लेकर, तो कंटेस्टेंट ने गलत आंसर दिया, फिर वहाँ पर कूद जाती हैं बीच में रिया चक्रवर्ती और बताती हैं CBI का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और कहा जा रहा है कि जब उन्होंने खबर दी, लोगों ने कहा कि आपका तो पुराना नाता है CBI से, CBI ने आपको लेकर सवाल उठाए थे और इसीलिए आपको ये फुल फॉर्म पता है। तो लोगों ने अलग अलग प्रकार से अलग अलग बातें करी हैं, जहाँ पर कहा जा रहा है कि अब रिया चक्रवर्ती जब रोडी शो में काम कर रही है, तो उनकी यंग लीडर में क्या लोग जाना पसंद कर रहे हैं, क्या लोग जा रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। पर देखने वाला विषय होगा कि आखिर इस मामले में निकल के और क्या आ सकता है। ये मामला कहीं ना कहीं एक ऐसी राह दिखा रहा है जिसके बाद अंत में कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी कुछ ना कुछ सच निकल के आने वाला है, ये तो देखने वाला विषय होगा। पर वहीं पे बॉलीवुड एक्सपोज होने की कगार पे अब आ चुका है। हाल ही में कहा जा रहा है कि काजोल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया कि शाहरुख के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी, क्या शाहरुख से पूछना चाहेंगी, कुछ आप बताना हमको पसंद करेंगी। वहीं पर हम सब जानते हैं कि काजोल और शाहरुख की जो दोस्ती है
जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है, पर कई बार कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसके बॉन्डिंग खराब हो जाती है। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि अब जो काजोल है उनसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात पूछी गई कि आप शाहरुख से क्या पूछना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा कि शाहरुख से तो मैं कुछ पूछना नहीं चाहूंगी, पर हाँ एक बात पूछना चाहूंगी कि अब ये तो बता दो आखिरकार पठान की असली अर्निंग कितनी थी, असली कमाई कितनी थी। और जैसे ही उन्होंने ये बात बोली है तो सोशल मीडिया पर एक बात फैल गई है कि भैया काजोल अगर ये बात बोल रही है तो क्या सही में जो यहाँ पर बातें निकल के आ रही थी वो सच हो जाएंगी, या सही में इस पूरे मामले में जो चीज़ें निकल के आ रही थी कि पठान की जो रियल अर्निंग है वो नहीं दिखाई जा रही है, पठान ने इतना नहीं कमाया होगा, वो सारी बातें सच निकल जाएंगी। क्योंकि तो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं, सवाल अपने आप में बहुत सारे उठ रहे हैं। अभी तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार अंत में इस पूरे मामले में निकल के क्या आएगा, ये तो आगे ही वक्त ही बता पाएगा। पर आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में रखिएगा ताकि हम जान पाएँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। वहीं पे हम आपसे अपील ये भी करेंगे कि आप बने रहिएगा चैनल के साथ, क्योंकि आपका साथ होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और आपके साथ की इस समय बहुत ज़रूरत है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद। साथ में आप सब एक और अपील करेंगे, आप हमारे नए चैनल सागर भल्ला रिव्यू को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप यूट्यूब पर जाइए, सीधा सर्च पर जाइए और सागर भल्ला रिव्यू लिख लीजिए और उस पर भी साथ में जुड़ जाइए। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।